इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो इन रीडिंग. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है दैट इज एन बी, जिसे हम वैसे तो नॉट अ बैनिंग बोलते हैं, पर यहाँ पे इसका मीनिंग है नोट वेल, कि अच्छे से नोट कीजिए इस चीज़ को. देखिए, ये रीडिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. जो बच्चे बहुत सारी रीडिंग्स सॉल्व कर चुके हैं या जो डेली बेसिस पे करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें पता ही होगा कि मैचिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली मैचिंग में ही ये वाली इंस्ट्रक्शन गिवन होती है. उसमें लिखा होता है यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, कि मैचिंग वाले जो होते हैं उनमें क्या होता है कि आप कुछ पैराग्राफ्स गिवन होते हैं, उसके साथ आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं, आंसर्स दिए होते हैं, वो ए बी सी डी में गिवन होते हैं. ए बी सी डी आगे कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे, तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता आंसर में, जस्ट लेटर्स के थ्रू बताना होता अपना आंसर. तो इसलिए लिखा होता है कि आप कोई भी लेटर एक से ज़्यादा बारी यूज़ कर सकते हो, बट इसमें ये इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि आपका कोई ना कोई आंसर रिपीट ज़रूर होगा, होना ही होना है, ये डेफिनेट है. तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, चाहे आपके पास क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो. फाइन, अब जैसे एक एग्जांपल है, इसमें देखिए क्वेश्चंस हैं आपके पास 5, ऑप्शंस हैं ए टू जी, यानी ए टू जी आपके पास हो गए 7 ऑप्शंस. तो यानी क्वेश्चंस 5 हैं, फिर भी ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं, बट स्टिल अगर आपको ये एन बी वाला आ जाता है इंस्ट्रक्शन, तो आपका आंसर उसमें श्योरली रिपीट होना ही होना है. अब जैसे डी ऑप्शन है वो रिपीट हुआ है, देन इज कीवर्ड्स, जिसमें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और वर्ब्स आपको अंडरलाइन करने होते हैं बेसिकली. देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो आपको उसी के लिए लाइक अंडरलाइन करना है. जब भी आप रीडिंग का कोई सा भी पैसेज पढ़ते हैं, तो ये नीचे मैं जितने भी वर्ड्स आपको जितने भी बताने लगी हूँ कीवर्ड्स, ये सारे के सारे साथ साथ अंडरलाइन करते जाया करिए. क्योंकि अब सपोजिंगली आपके पास 1 to 14 या 13 क्वेश्चंस होते हैं पैसेज 1 में, राइट? तो अब उसमें से 1 to 7 ट्रू फॉल्स हो गए, 8 to 10 आपके पास ब्लैंक्स हो गए या कुछ और कुछ भी हो गया. तो समटाइम्स वो जो नॉट इन सीक्वेंस वाले होते हैं उसके तो दोबारा से आपको फर्स्ट पैराग्राफ से सारे आंसर्स ढूंढने होते हैं, तो फिर से दोबारा से आपको स्टार्ट करना होता है. तो आप जब सारे कीवर्ड्स पहले वाले सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए ढूंढने के लिए अपना टाइम लगाते हो, पैसेज पढ़ते हो, तो उसी में कीवर्ड्स जो ए वाले होते हैं सारे मार्क कर लिया करो, ताकि आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में ये हेल्प करें जो कि नॉट इन सीक्वेंस वाले होते हैं बेसिकली. तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं नेम्स. किसी भी पर्सन के नेम्स दिए हुए हैं, ज़रूर उसको सर्कल करो, अंडरलाइन करो अपनी रीडिंग में. कई बार ये ऑथर्स के, राइटर्स के नाम होते हैं, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन ही आ जाता है, या कोई कंट्री गिवन हो, प्लेस गिवन हो, लोकेशन गिवन हो, डेट्स दी हो, फुल डेट हो, हाफ डेट हो, सिर्फ ईयर्स गिवन हो, कोई तरह की परसेंटेज है, किसी भी तरह का कोई नंबर गिवन है, एड्रेस दिया हो सकता है किसी का, एग्जांपल है. ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं एग्जांपल्स रीड नहीं करते अपनी रीडिंग में, तो एग्जांपल्स ज़रूर रीड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कई बार आपके आंसर्स ही एग्जांपल्स में होते हैं, और एग्जांपल्स देने का उनका पर्पस क्या होता है रीडिंग में, कि जो प्रीवियस उन्होंने बात कही होती है या प्रीवियस जो भी उन्होंने लिखा होता है उसकी जो पूरी इलेबोरेशन है वो एग्जांपल में होती है, एग्जांपल के थ्रू वो लोग करते हैं रीडिंग में. देन इज़ कनेक्टर्स. कनेक्टर्स ज़रूर मार्क करिया कीजिए जहाँ भी आपको मिलते हैं, एंड, बट, इंस्पाइट, डिस्पाइट, हाउ एवर, एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं, मतलब जहाँ भी आपको मिलते हैं इनका बहुत सिग्निफिकेंस है. इनके इनको अगर आप मार्क करते हो, जैसे हाउ एवर है तो वो कंट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए. तो एज़ कम्पेयर टू है, ऐसा कुछ भी आपको मिलता है तो आप ज़रूर उसको मार्क करिए अपनी रीडिंग में, क्योंकि पूरा सेंस उनकी वजह से चेंज हो जाता है सेंटेंस का, तो हेल्प करते हैं. अब मैं आपको एंड का एक एग्जांपल दे रही हूँ. एंड बेसिकली ब्लैंक्स में देखिए कैसे आपको हेल्प करता है. सपोजिंगली आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें एंड के पहले भी ब्लैंक है, बाद में भी ब्लैंक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने बहुत रीडिंग्स में देखे होंगे. अब ये जो ब्लैंक है ये आपको ढूंढने हैं अपने पैसेज में, तो पैसेज में भी श्योरली पैराग्राफ में आपको एंड मिलेगा ही मिलेगा, और दो ब्लैंक्स इस तरह से मिलेंगे ही मिलेंगे. जहाँ पे आपको कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन के मिलने शुरू हो गए तो आपको ये श्योरली है एंड के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा ही. अब पैराग्राफ में हो सकता है एंड के सिनोनिम्स गिवन हो, जैसे एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, एंड का एंड भी दिया हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिनोनिम गिवन हो. तो
आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ज़रूर ऐसे ही मिलेगा पैराग्राफ में। देन नेक्स्ट इज़ टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स होते हैं थोड़े टफ काइंड ऑफ वर्ड्स और वोकैब, या ऐसे नए वर्ड्स या न्यू वर्ड्स, या जिनसे हम फैमिलियर नहीं होते हैं। बेसिकली हमने उन वर्ड्स को कभी सुना नहीं होता या पढ़ा नहीं होता। तो इस तरह के वर्ड्स के लिए कई बार उन्होंने रीडिंग में आपको ईजी करने के लिए रेफर्स टू दिया होता है, या रेफर्स, या विच मीन्स, या दैट इज़, या लॉन्ग हाइफन दिया होता है। अब जहाँ पर भी ये वर्ड्स दिए हुए इनको भी सर्कल करो, बिकॉज जब भी ऐसा कुछ टेक्निकल टर्म आता है या वर्ड आती है जो टफ होता है, कई बार उन्होंने उसका मीनिंग आगे बताया होता है। रेफर्स टू का मतलब क्या होता है? ये वर्ड है, ये इसको रेफर कर रहा है, रेफर्स टू इस चीज़ को, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को, तो आगे रेफर्स टू के साथ उन्होंने उसका मीनिंग बताया होता है। विच मीन्स तो क्लियर ही है कि इसका मीनिंग ये है, दैट इज़ भी ऐसे ही है, या उन्होंने लॉन्ग एक हाइफन दिया होता तो उसके आगे उन्होंने उस वर्ड के मीनिंग की क्लैरिटी दी होती है रीडिंग में। तो ये वर्ड्स का आपने बहुत ध्यान रखना है। देन उसके बाद फोर्थ इज़ वर्ड इन कॉमास। अब देखिए, जैसे नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, जिस तरह ये कॉमा में है, ये सेम आपको एज इट इज़ ही पैराग्राफ में मिलेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा। अब कई बार ये क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं, इस तरह की टर्म्स आती हैं, इनके लिए भी सिनोनिम देखना शुरू कर देते हैं। बट जो आपको कभी भी वर्ड कॉमास में आते हैं ना, इनके लिए ध्यान रखना, कभी भी सिनोनिम यूज़ नहीं होते पैराग्राफ में, ये आपको इसी तरह कॉमास में ही मिलेंगे। ये जो टर्म्स होती हैं ये ऐसे ही आपको मिलती हैं एज इट इज़ पैराग्राफ में, इनमें कोई भी रीफ्रेजिंग नहीं करी होती। Then is fifth, no more than two words. अब ये जो options हैं कि आपको दो words से ज़्यादा use नहीं करने हैं, यहाँ तो इसमें ये condition नहीं है कि आपको दो words ही use करने हैं। Either आपका answer one word में हो सकता है या two word में। अब वो question पे depend करेगा। अब देखिए, जैसे नीचे एक question है, what did John order in the restaurant? John ने restaurant में क्या order किया था? Pizza, pasta. अब दो चीज़ें उसने order की थी, फाइन। अब देखिए, फिफ्थ का नीचे एग्जांपल कैसे दिया है कि अगर आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना हो, अगर आप इसको लिख देते हो पिज्ज़ा एंड पास्ता, तो ये थ्री वर्ड्स काउंट होंगे, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। पर अगर आप पिज्ज़ा कॉमा पास्ता लिखते हो तो ये टू वर्ड्स कंसिडर होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? राइट होगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रपोजिशंस हैं चाहे एट, ऑन, इन, टू, या जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़, आर, एम, विल, ये जितनी भी हैं ये भी एज अ वन वर्ड काउंट होती ही होती हैं। सिर्फ जो हाइफनेटेड वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो वन वर्ड काउंट होते हैं। बाकी जो वर्ड्स हैं जिनके साथ एंड लगा दिया आपने बीच में, और लगा दिया, ये सारे आपके थ्री वर्ड्स ही माने जाएंगे। इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आंसर शीट पर लिखना है तो उसको कॉमा लगाइए। देन इज़ नो मोर देन वन और टू और थ्री वर्ड्स एंड और अ नंबर। अब ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमें दिया होता है नो मोर देन वन वर्ड एंड और अ नंबर। अब देखिए, एंड वाली कंडीशन में तो ये होता है कि वन वर्ड के साथ प्लस नंबर एक लग जाएगा। एंड का मतलब यही हुआ कि नंबर भी आप लगा सकते हो। अब आपका आंसर 50 मैन, 50 आदमी थे काम करने वाले, या कुछ भी ऑफिस में वर्क करते हैं, कुछ भी आपकी स्टेटमेंट हो सकती है वहाँ पर, तो 50 मैन वर देयर, फाइन। तो ये 50 नंबर हो गया, मैन वन वर्ड हो गया। अब और वाली कंडीशन, या आपका आंसर इधर नंबर हो सकता है या वर्ड हो सकता है, तो 50 इज़ अ नंबर, मैन इज़ अ वर्ड, ये एक आंसर हो गया, फाइन। देन उसके बाद टू वर्ड्स प्लस नंबर। अब इसमें भी वही कंडीशन है, नो मोर देन टू वर्ड्स एंड और अ नंबर। अगर तो टू वर्ड्स के साथ नंबर आप लिख रहे हो तो 20 न्यू सॉन्ग्स, ये एंड वाली कंडीशन है। अब और वाली में क्या होता है, आप देखिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि टू वर्ड्स में ही आंसर होना चाहिए। इधर आपका आंसर वन वर्ड भी हो सकता है, वन वर्ड के साथ नंबर भी हो सकता है। 20 नंबर हो गया, न्यू सॉन्ग्स हो गए टू वर्ड्स, अकेला टू वर्ड्स भी हो सकता है, वन वर्ड सॉन्ग्स, अकेला सॉन्ग्स भी हो सकता है आंसर, वन वर्ड प्लस नंबर 20 सॉन्ग्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन क्या पुट किया हुआ है, और इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स हालांकि ये चीज़ों को देखते नहीं हैं, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, थ्री वर्ड्स प्लस नंबर। अब देखिए, एंड वाली कंडीशन, 70 मैन एट वर्क, नंबर हो गया 70, थ्री वर्ड्स हो गए मैन एट वर्क। देन उसके बाद देखिए और वाली कंडीशन, इधर अकेला नंबर हो सकता है 70, मैन एट वर्क थ्री वर्ड्स हो गए। अब देखिए, एट वर्क हो गया टू वर्ड्स में आंसर, वही
जरूरी नहीं है कि थ्री वर्ड्स में ही होना चाहिए, वन वर्ड भी आपका आंसर इसमें हो सकता है, या नंबर भी हो सकता है, या टू वर्ड्स भी हो सकता है. टू वर्ड्स प्लस नंबर 80% वर्क डन. वन वर्ड में हो गया वर्क, 70 मैन हो गया वन वर्ड प्लस नंबर, फाइन. देन देखिए सेवन्थ, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड यस नो नॉट गिवन. ये इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़नी है. स्टूडेंट्स कई बार ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जगह येस नो नॉट गिवन में लिखाते हैं आंसर्स, एंड येस नो की जगह ट्रू फॉल्स लिखाते हैं. नॉट गिवन तो चलो दोनों में सेम ही है, तो ये बेसिकली आपका रॉन्ग होगा. चाहे आपका आंसर उसका ट्रू ही है, आना चाहिए था, पर अगर आपने उसकी जगह येस लिख दिया तो वो कंसिडर नहीं होगा, सही नहीं माना जाएगा. देन उसके बाद देखिए ट्रू की जगह अगर आप शॉर्ट में टी लिखाते हैं, फॉल्स की जगह एफ लिखाते हैं, येस की जगह वाई और नो की जगह एन लिख देते हैं सर्फ, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं माना जाएगा. आपको फुल वर्ड ही लिखना है अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे और डे बाय डे अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करोगे. गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग.